हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर। ड्यूल स्टार्टर मतलब कि उसका वायरिंग डायग्राम कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये कुछ सामान दिखा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी है MCV तीन पोल की आप देख सकते हैं, ठीक है। तीन पोल की ये हमारे पावर के लिए यूज करते हैं, तीन पोल जैसे कि RYB, ये हमारा है कॉन्टेक्टर, पावर कॉन्टेक्टर, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ती है एक, और उसके बाद एक अवर लोड रिले की। ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल के हिसाब से आते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी अवर लोड रिले है, OLR भी बोल सकते हैं इसको, ये मोटर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। फ्रेंड्स, ये हमारे दो पुश बटन होते हैं, एक NC एक NO, यानी कि नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन, एक स्टार्ट के लिए एक स्टॉप के लिए, ठीक है। ये हमारे पुश बटन हो गए, और ये हमारे इंडिकेटर, जैसे कि एक ऑन के लिए हो जाता है, एक ऑफ के लिए, और एक ट्रिपिंग के लिए। अगर मान लो ट्रिप हो जाता है ट्रिप के लिए, ऑफ है तो हमारा ऑफ के लिए, अगर ऑन स्टार्टर ऑन है तो ऑन के लिए, ठीक है। ये इसका, और एक हम कंट्रोल जो सप्लाई यूज करते हैं वो हम सिंगल MCV से यूज करते हैं, ठीक है। ये हम सिंगल MCV इसके लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका पावर डायग्राम बनाते हैं कि कैसे इसका मोटर तक पावर जाती है। तो फ्रेंड्स, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि ये तीन फेज है हमारे RYB, ठीक है, RYB है, और यहां पे हमने वो MCV लगा दी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी तीन पोल वाली, ठीक है। ये हमने MCV लगा दी यहां पे, इसके साथ में लिख देता हूं मैं, ठीक है, तीन पोल की MCV है। उसके बाद ये RYB निकल गए, निकलने के बाद फ्रेंड्स ये जाती है कॉन्टेक्टर के अंदर। कॉन्टेक्टर कुछ हमारा इस तरह से होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको बना के यहाँ पे। कॉन्टेक्टर के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, जैसे ही कॉन्टेक्टर के अंदर मैग्नेटिक बनेगी तो ये प्लंजर इस साइड हो जाएगा और ये पॉइंट MC हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, तीनों आपस में, ठीक है। तो उसके बाद जाती है फ्रेंड्स ओवरलोड रिले में, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई थी ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो तीन ओवरलोड रिले से निकलने के बाद ये चली जाती है हमारे मोटर के अंदर। थ्री फेज मोटर होती है तो, ठीक है, थ्री फेज मोटर AC, और ये हमारी मोटर होगी, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं मोटर, OLR, कॉन्टेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो था हमारा इसका पावर डायग्राम। सबसे पहले हमारे RYB सप्लाई आएगी, उसके बाद हमारी MCV लगेगी तीन पोल की, उसके बाद कॉन्टेक्टर के इनपुट में चली जाएगी, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्टर ये वाला है, कॉन्टेक्टर का इनपुट ये इधर वाला है, ठीक है, L1 L2 L3 लिखा हुआ है, और आउटपुट होता है जो T1 T2 T3। वैसे अपने हिसाब से इसको भी आउटपुट मान सकते हैं, इसको भी आउटपुट मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि इधर इधर से इनपुट इधर से आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। ये फ्रेंड्स, ये हमने एक्जुलरी कॉन्टेक्ट लगा रखा है। अगर मान लो हमें ट्रिपिंग इंडिकेटर या इंडिकेशन ऑन ऑफ का, ये अदरवाइज मतलब जो भी इसके साथ इंटरलॉकिंग लेनी है, तो यहाँ से हम इसके इंटरलॉकिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इसका कॉन्टेक्टर का टर्मिनल, ठीक है। कॉन्टेक्टर के टर्मिनल के बाद ये हमारी ये ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले ये है, ठीक है। इसके इन पॉइंट पे ये इनकमिंग है, ये हमारी जो पिन है ये कॉन्टेक्टर के अंदर फिक्स होकर टाइट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो ये एक दो तीन टर्मिनल है, यहाँ से हमारी तीन वायर चली जाती है RYB मोटर को, मोटर में जाके कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका पावर डायग्राम। अभी बनाते हैं हम इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, ठीक है। कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के लिए फ्रेंड्स क्या है, सबसे पहले एक जैसे कि हमारा ये फेज है, और मैंने आपको बताया था कि एक MCV लेनी है सिंगल पोल की, ठीक है। तो ये हमने एक MCV ले ली सिंगल पोल की। उसके बाद जाती है सप्लाई सीधी डायरेक्ट हमारी पुश बटन में, जो हमारा NC होता है स्टॉप के लिए, बटन, ठीक है। और फ्रेंड्स, उसके बाद ये फ्रेंड्स NC होता है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये रेड कलर का होगा NC पुश बटन होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है NC, ठीक है, इसमें जाएगी। उसके बाद जाती है फ्रेंड्स ये ओवरलोड लेके जो कंट्रोल के टर्मिनल्स होते हैं,
ठीक है, उसके कॉमन पॉइंट में जाएगी, ये कॉमन पॉइंट में आ गई। यहाँ पे कॉमन पॉइंट से जो इसका एनसी पॉइंट होगा उसमें जाएगी, एनसी होता है ऐसे, ठीक है। और ये इसका ओवरलोड रिले का सिंबल हो गया, ठीक है, इस तरह से होता है। उसके बाद यहां से निकलने के बाद ये वायर सीधी डायरेक्ट जाती है, जो स्टार्ट का बटन होता है वो एनओ होता है, ठीक है, इस तरह से। इसकी लाइन कनेक्ट नहीं होती, तो ये हमारा होता है स्टार्ट का, स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। उसके बाद यहां से निकलने के बाद सीधी डायरेक्ट चली जाती है वो कॉन्टेक्टर में। कॉन्टेक्टर की जो कॉइल होती है, कॉइल के दो टर्मिनल होते हैं, फेज और न्यूट्रल के, उसमें चली जाती है, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर का कुछ सिंबल इस तरह से होता है। और कॉन्टेक्टर का जो दूसरा टर्मिनल होता है, ये A1 में होगी, A2 में सीधा डायरेक्ट हम यहाँ पे न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल वायर को, ठीक है। तो ये हमारा इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बन गया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसको पुश बटन कर दबाएंगे, तो ये पहले एमसीबी ऑन करेंगे। यहाँ पे एमसीबी ऑन करने के बाद सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगी। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये सप्लाई इसके थ्रू होते हुए कॉन्टेक्टर को मिल जाएगी, और इसको छोड़ेंगे तब ये फिर वापस छूट जाएगी। वापस छूटने के उसको ना छूटने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, इसके एक एनोड टर्मिनल से हम इसको एक होल्डिंग देते हैं यहाँ पे इसके पैरेलल में, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे हम एक इसको ऐसे होल्डिंग दे देंगे, जो कॉन्टेक्टर है ये मेन कॉन्टेक्टर है, उसके एनो पॉइंट से, ठीक है, उसके एनो पॉइंट से एक होल्डिंग दे देंगे ऐसे। जैसे कि हम यहाँ पे पुश बटन दबाया, ये कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो गया। कॉन्टेक्टर होल्ड होते ही क्या है, ये जो इसका एनो होता है वो एनसी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एनो अभी इसको जैसे हमने दबा दिया, और ये फिर ये एनसी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दबा छोड़ते ही इसको ऐसे सप्लाई यहाँ से इसको इधर से मिलती रहेगी, यहाँ से हट जाएगी, तो ठीक है। तो इस तरह से इसका ये होल्डिंग लेते हैं, ठीक है, इसको हम एनओ एनओ में उसमें करते हैं, ठीक है, इसको लिख देता हूँ होल्डिंग, होल्डिंग एनओ, ठीक है। ये था हमारा इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी बारी आती है हमारा, जैसे कि एक ऑन ऑफ इंडिकेटर लगाते हैं, ट्रिपिंग इंडिकेटर लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने एक फेज वायर यहीं से एमसीबी के आउटपुट से यहीं से उठा लिया हमने, यहाँ जी है ना, यहीं से हमने ये फेज यहाँ से ले लिया। और सबसे पहले हमारा ये आता है, इधर चला जाता है, ठीक है। ये हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगा रखा था हमने, उसके एनो पॉइंट से, ठीक है, एनो पॉइंट से। ये एनो हो गया मेन कॉन्टेक्टर का, इसके मेन कॉन्टेक्टर का ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। उसके लेके फिर हमने यहाँ पे एक वो जो बल्ब इंडिकेटर था उसमें दे देना है, ठीक है, एक टर्मिनल में। ये हम इंडिकेटर मान लेते हैं इसको, ठीक है, इंडिकेटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। और उसका दूसरा टर्मिनल में हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे ही ऑन होगा तो ये एनसी हो जाएगा। एनसी होते ही क्या है, ये ऑन का इंडिकेटर मतलब कि ब्लिंक हो जाएगा, तो इसका हम ऑन लिख देते हैं, ठीक है, ये ऑन का हो गया, ठीक है। अब ऑफ के लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, अगर मान लो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ है, मतलब हमारा ये सर्किट ऑफ है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां से हम एक, तो फ्रेंड्स ऑफ के लिए क्या करना होगा, यहां से एक फेज उठाएंगे, और इसको हम जो मेन कॉन्टेक्टर का होता है एनसी, ये हम इसको एनसी से लेंगे, ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर का, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ मेन कॉन्टेक्टर, ठीक है। ये फ्रेंड्स एनसी पॉइंट होगा, जैसे कि हमारा स्टार्टर ऑफ है तो ये एनसी रहेगा, तो ये एलईडी में किए गए इंडिकेटर को यहां पे लेके एक न्यूट्रल दे देते हैं इसको। ये हमारा हो गया ऑफ के लिए। अगर मान लो हमारा स्टार्टर ऑफ है तो ये एनसी रहेगा, एनसी रहेगा तो इसको यहां से पावर मिलती रहेगी और ये एलईडी ब्लिंक करती रहेगी, ठीक है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपिंग के लिए। ट्रिप इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, ट्रिपिंग इंडिकेटर फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमने ओवरलोड रिले लगाई थी, उसका एक टर्मिनल होता है, ठीक है, टर्मिनल से हमने एक वहीं से लूप दे देना है पावर के लिए। इसके जैसे कि तीन टर्मिनल होते हैं यहाँ पे, एक कॉमन, एक फेज, एनसी एनओ, ठीक है। जो एनओ पॉइंट होता है उससे हम एक अलग से होता है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है, ठीक है, ये मेन कॉमन पॉइंट होता है, इसके साथ ये एनसी होता है और ये एनओ होता है, ठीक है। जैसे ये ट्रिप होगा तो क्या है ना, ये फ्रेंड्स ये वाले दो टर्मिनल है एनसी हो जाएंगे, तो इसमें यहां से एक लूप वायर का उठा के यहाँ पे दे देंगे, और यहां से हम एक इंडिकेटर को दे देंगे। तो इसलिए मैं एक यहां से फेज दे देता हूँ एक, ठीक है। और जो उसका टर्मिनल है एनो टर्मिनल ओवरलोड रिले का, मैंने आपको दिखाया अभी,
ये दो आपस में एनओ है, इन दोनों के टर्मिनल से एनओ से हम यहाँ पे इसको एक ये लगा देंगे इंडिकेटर, और इसका दूसरा टर्मिनल, और यहाँ पे हम ट्रिप लग देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेना है हमने ओ एल आर से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ एल आर से एनओ। ठीक है ये एनओ है। ठीक है तो ये था हमारा इस तरह का सर्किट, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ ये सारा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमने ये पावर डायग्राम बनाया, सबसे पहले हमारी सप्लाई आई आर वाई बी एम सी बी में चली गई, फिर कॉन्टेक्टर में, फिर ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले से हमारी थ्री फेज मोटर में। ठीक है फिर ये हमारा था कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। ठीक कंट्रोल वायरिंग में क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा फेज आया, फेज वायर से हमारे एम सी बी लगा दी सिंगल पोल की। ठीक है सिंगल पोल के बाद हमने एक स्टॉप बटन लगाया एन सी। ठीक है उसके बाद स्टॉप बटन से ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले से हमारी स्टार्ट पुश बटन में। ठीक है स्टार्ट पुश बटन से निकलने के बाद कॉन्टेक्टर में चली गई, कॉन्टेक्टर से सीधी डायरेक्ट मतलब जो दूसरा टर्मिनल है उसका, उसमें हमने डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया। ठीक है और एक हमने ये होल्डिंग दे दिया है, मान लो जिसको पुश करेंगे तो यहाँ से छोड़ देंगे इसको, फिर यहाँ से इसको उसको सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है और ये सर्किट है हमारा जो एलईडी है फीडबैक के लिए, मतलब कि हमारा स्टार्टर ऑफ है या ऑन है, मोटर ऑन है या ऑफ है, तो उसके लिए हमने ये तीन इंडिकेटर लगा दिए ऑन ऑफ और ट्रिप। ऑन का हमने मेन कॉन्टेक्टर के एनओ से लेना है, ऑफ का हमें मेन कॉन्टेक्टर के एनसी से लेना है, और ट्रिप का हमें ओवरलोड रिले के एनओ से लेना है। ठीक है तो फ्रेंड्स ये था हमारा ओवरलोड रिले का डायग्राम, मैंने आपको इसके अंदर सामान भी दिखा दिया कि क्या क्या सामान यूज होगा। ठीक है और इसका डायग्राम भी बना दिया तीनों इसके। ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कोई किसी को किसी की हेल्प हो जाएगी। ठीक है तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल बाइक इलेक्ट्रिकल। जय हिंद वंदे मातरम।